Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं नहीं, मेरे जीजा जी बना रहे हैं हम सभी का फेवरेट डिश तंदूरी चिकन। सबसे पहले हम लेंगे 4 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी भर धनिया, 1 प्याज, थोड़े से अदरक, 400 ग्राम दही, 3 बड़े लहसुन और 3 टोमेटोस। एक मिक्सिंग जार में हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम एक बड़े से पैन में दही डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्रेश क्रीम। दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, एक टीस्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 4 टीस्पून चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसमें हम ऐड करेंगे अभी 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। थोड़े से लेमन जूस। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी मिक्सचर में हमने जो पहले ग्रीन पेस्ट बनाए थे उसको मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा चिकन। हम यहाँ यूज कर रहे हैं लगभग 1 केजी चिकन। इस चिकन को हम 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के रखते हैं। तीन घंटे बाद हम इसको प्रीहीटेड अवन में कुक होने देंगे।
जब चिकन थोड़ा पानी छोड़ने लगेगा, हम चिकन को निकाल लेंगे प्लेट से और ग्रिल में डाल देंगे। चिकन जब थोड़ा ग्रिल होने लगेगा, हम फिर से उसको निकालेंगे और मैरिनेशन के मिक्स में डिप करके फिर से अवन में फाइनल कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इससे चिकन का टेस्ट एनहेंस होगा और सॉफ्ट भी रहेगा। हमारा तंदूरी चिकन फाइनली रेडी है। चिकन को ग्रीन चटनी के साथ सर्व करके एंजॉय कीजिए इसके टेस्ट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।